हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ के हिंदी सुगंधा का सेकंड चैप्टर का व्याकरण बोध के बारे में समझेंगे। गेहूं और अनाज होते हैं, जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में कीजिए। लेह, लेह जगह का नाम है, एक स्थान है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। धातु, एक धातु का नाम, कई धातुएं होती हैं इसमें, तो ये धातु जातिवाचक संज्ञा है। शेरवानी, ये कपड़े का नाम है, शेरवानी। भोजन, भोजन में कई प्रकार के भोजन होते हैं, जातिवाचक। इस तरीके से आपको छाटकर, तावा धातु का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। खिचड़ी, सब्जी को खाने का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक। शहर, शहर तो कई होते हैं, शहर का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक है। वेशभूषा, वेशभूषा कई प्रकार की होती है, इसलिए ये भी जातिवाचक है। अब देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए नौकर, नौकर में हमने नौकर यानी नौकर जो हमारे काम करता है उसको नौकर बोलते हैं। और ई लगा दी, ई प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या हो गया, नौकरी। यहाँ ई क्या है, प्रत्यय है। उपयुक्त उदाहरण की तरह पाठ में से ई प्रत्यय वाले शब्दों को चुनकर नीचे लिखिए। जैसे चालाकी, तो चालाक क्या हो गया, इसमें शब्द हो गया, और इसमें कौन सा जुड़ा हुआ, बड़ी, तो क्या हो गया, ई प्रत्यय हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आप और किस तरीके से कह सकते हैं। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, अरे मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े में गुजर रही थी। इस तरीके का हम इन सेंटेंसों को अपने अपने तरीके से कई बार कह सकते हैं। तो इसे भी आपको कंप्लीट करना है। उसको योग्यता विस्तार, योग्यता होशियार और चालाक में क्या अंतर है, किस आधार पर किसी को चालाक या होशियार कह सकते हैं। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचकर बताइए। आप अपने लड़की को आप समझदार कहेंगे या बुद्धिमान, क्यों? आपके विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, आपके विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। आपको ये होशियार और चालाकी के बारे में अपने घर पर अपने पापा मम्मी से डिस्कस करना है, फिर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक कॉपी पर राइट करना है। जितना भी आपको कराया जा रहा है, जैसे ये व्याकरण बोध कराया, ये आपको याद करना है। याद करने के साथ साथ आपको लिखकर भी देखना है। थैंक यू इन दिस वीडियो।